नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। धक्का मारकर सरकारी बस को निकालते ये लोग यात्री और रोडवेज कर्मी हैं, और ये गाजीपुर का रोडवेज बस अड्डा है जहां ये नजारा इस बरसात में आम है। यहां यात्रियों की सुविधा की बात तो छोड़िए, बसों को खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है। कारण, पिछले 3 सालों से ये करोड़ों की लागत से बनवाया जा रहा है। आलम यह है कि पहली बरसात के बाद से ही यह दलदल हो चुका है और अब यहाँ रोज गाड़ियाँ फंस जाती हैं और धक्का मारकर या दूसरी गाड़ियों से खींचकर निकालना आम बात है। और तो और आलम यह है कि बसों में डीजल भी डिब्बों में भरकर ही बाहर सड़क पर डाला जा रहा है। स्टेशन को जाने वाली सड़क पर दर्जनों बसें खड़ा होने की वजह से रास्ता भी जाम हो रहा है, जिससे आम लोगों के साथ यात्रियों और रोडवेज कर्मियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों और कर्मियों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश और दिक्कत साफ दिखाई देती है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। फिलहाल निर्माणाधीन रोडवेज बरसात में दलदल हो चुका है, जो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। रोडवेज में दलदल की वजह से बसें अंदर नहीं आ पा रही हैं। बसों के अंदर न पहुंचने की वजह से न तो रोडवेज की टंकी में डीजल भरा पा रहा है, मजबूरी में रोडवेज के पेट्रोल पंप से गैलन में डीजल लेकर बसों में भरा जा रहा है। अब रोडवेज के पेट्रोल टंकी भी खाली हो जाएगा तो टंकी में डीजल भी नहीं भरा पाएगा। इन हालात की वजह से रोडवेज का प्रतिदिन 2 लाख का राजस्व की क्षति हो रही है। वहीं संविदा कर्मियों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बस खड़ी है और ये लोग बैठे हैं। बरसात से पहले प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रोडवेज का निरीक्षण किए थे और उस दौरान रोडवेज की स्थिति के बारे में बता दिया गया था। उस दौरान मंत्री जी 2 माह में कंप्लीट करवाने का आश्वासन भी दिया था। फिर सदर विधायक संगीता बलवंत भी आई, लेकिन दोनों लोग आश्वासन देकर चले गए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और जो काम हो रहा है वो काम काफी धीमी गति से हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश में, तब से रोडवेज हाल इतनी भयानक, इतनी खराब हो चुकी है कि आप देखे होंगे, मेरे पास एक वीडियो आया था, मैंने वीडियो में देखा था कि वहाँ पर जो रोडवेज जब डीजल भराते हैं रोडवेज कर्मी, बस कर्मी, तो वो पाइप नहीं भराते हैं, वो पाइप से गैलन में भरते हैं, उसके बाद भराते हैं। इतनी बदतर स्थिति है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी द्वारा ये रोडवेज का काम पूरा शुरू कराया गया था, जिसे अब तक भाजपा सरकार द्वारा पूरा नहीं कराया जा चुका है। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन और भारतीय जनता सरकार को भी लापरवाह है रोडवेज मामले में। बताओ, मंत्री जी आए थे और मंत्री जी ने इस बात पे पूछा वहाँ कर्मचारियों से, तो कर्मचारियों ने बताया कि ये मुन्ना बजरंगी के का काम है। और इस बात को संज्ञान में जब लिया, उन्होंने जानकारी मिली कि यह मुन्ना बजरंगी का काम है, तो माफिया का काम समझ करके मंत्री जी भी इस पर कुछ बोले नहीं और मुंह मोड़ के चले गए। क्या हालात हैं जो आप देख रहे हैं? वहाँ के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहाँ स्टैंड में गाड़ी नहीं प्रवेश कर पा रही है। वहाँ डीजल भरवाने की स्थितियां में गैलनों में डीजल लेकर के आप बस कर्मचारी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भर रहे हैं। मार्च में मंत्री जी आए और आश्वासन ठेकेदार ने दिया कि हमको इसको फरवरी में तब कम्प्लीट करके दे देंगे। आज देख रहे हैं आपके सामने दैनिक स्थिति क्या है। गाड़ियों में शुद्ध तेल भरा जा रहा है ना, कोई गाड़ी अपनी रूटीन पे जा रही है। यात्री भी परेशान, ड्राइवर कंडक्टर भी परेशान, सब लोग यहाँ पे परेशान। सब गाड़ी रोड पर लगा हुआ है और जाम है। देखा जाए कि वर्कशॉप भी है, अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती तो वर्कशॉप में कैसे? इस समय कोई काम नहीं हो पा रहा है। वही डिफेक्ट में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। डीजल वगैरह कैसे लेते हैं आप लोग? डीजल वगैरह अन्य डिपो से ले रहे हैं हम लोग। अभी देख रहे थे कि कुछ लोग गैलन पे लाद के फिर वो भी 100-150 रुपया देना पड़ रहा है, तो लेबर से ढुआ कर तो ले आकर डाल रहे हैं हम लोग डीजल। अब वर्तमान स्थिति है कि इस बरसात के मौसम में डीजल टैंक में जहाँ गाड़ियाँ जाके डीजल लेती हैं वहाँ पानी भरा हुआ है, जिससे टैंकर डीजल टंकी तक नहीं जा रहा है कि तेल लें। अब बसें समय से संचालित, डीजल के अभाव में गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। कुछ डिपो से क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के सहयोग से बाहर से तेल लेकर के संचालित किया जा रहा है, जिससे पूरा एकदम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कुछ कर्मचारी यहां से मतलब गैलन में लेकर भी डीजल, मतलब वही डीजल पंप में डीजल नहीं पहुँचने के कारण जो डीजल बचा हुआ है उसमें ये बेचारे ड्राइवर कंडक्टर स्वतः है अपने ले आकर के भर के गाड़ियाँ संचालित कर। मार्केट से भी डीजल खरीद कर भर रहे हैं?
प्रतिदिन कितने की वो लगभग 2 लाख रुपए का प्रतिदिन का हमारा लॉस है। यहाँ डीजल नहीं मिल रहा है, गाड़ी अंदर जा नहीं पा रही है, धस जा रही है जी। तो डीजल कैसे आप लोग ले रहे हैं फिर? अब कहाँ डीजल, बाहर जाके दूसरे दूसरे डिपो में आदेश हो रहा है कि वहीं जा करके लीजिए। तो ऐसे में मान लिया डीजल रास्ते में खत्म हो गया तो फिर क्या करते होंगे? खड़ी हो जा रही, कई कई गाड़ियाँ खड़ी है। वहीं रोडवेज कर्मियों की इस समस्या के बाबत जिला अधिकारी के बालाजी ने क्या बतलाया, आइए सुनते हैं। ये रोडवेज का जो बस डेपो है वो काफ़ी समय से निर्माणाधीन है और उस जगह जगह ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ है, वहाँ इंटरलॉकिंग कराने का भी प्रावधान है। अभी निर्माण कार्य जारी है, बस एक महीने के अंदर हमारा पूरा प्रयास रहेगा वहाँ का सरफेस ठीक। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।